28वां भाग। जयद्रथ सिंधु प्रदेश के राजा वृद्धक्षत्र का पुत्र था। उसका विवाह कौरवों की इकलौती बहन दुशाला से हुआ था और उसका जन्म वृद्धक्षत्र के यहाँ बहुत देर से हुआ था। जन्म होते ही जयद्रथ के पिता वृद्धक्षत्र ने उन्हें एक वरदान दिया था। वरदान के अनुसार जयद्रथ का वध कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता था। साथ ही यह भी कहा कि जो भी जयद्रथ को मारेगा और उसका सिर जमीन पर गिराएगा, उसके सिर के हजारों टुकड़े हो जाएंगे। यही एक कारण है कि कुरुक्षेत्र युद्ध में जयद्रथ को मारना बेहद मुश्किल हो गया था। अर्जुन की इस भयानक प्रतिज्ञा को सुन जयद्रथ भयभीत हो उठा और फौरन दुर्योधन के पास जाकर उसका हल मांगने लगा। दुर्योधन हंस कर बोला, डरो मत मित्र, अर्जुन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कल हम सब भाई और पूरी कौरव सेना सूर्यास्त होने तक तुम्हारे आसपास एक सुरक्षा कवच बनाए रखेंगे। अर्जुन किसी भी कीमत पर तुम्हें खोज नहीं पाएगा और अंत में उसे अपने प्राणों की बलि देनी होगी। अगले दिन युद्ध शुरू हुआ। गुस्से से लाल अर्जुन की आंखें युद्ध के मैदान में जयद्रथ को इस प्रकार से ढूंढ रही थी जैसे कोई प्यासा जल की तलाश में हो, किंतु वह नहीं मिल रहा था। तभी श्री कृष्ण ने उसे बताया कि जयद्रथ को बचाने के लिए कौरवों ने उसे घेर रखा है ताकि तुम उसे खोज न सको। श्री कृष्ण बोले, मेरे मित्र तुम आगे बढ़ो, शत्रुओं को पराजित करो, तुम्हें अवश्य ही तुम्हारा शत्रु हासिल होगा। यह सुनकर अर्जुन में कुछ आत्मविश्वास जागा और वह लड़ता चला गया, लेकिन अभी भी जयद्रथ मिल नहीं रहा था। अपना गांडीव हाथ में लिए हुए असंख्य वीरों का काम तमाम करता हुआ अर्जुन आगे बढ़ता गया और कौरव सेना के समुद्र को चीरता हुआ बढ़ रहा था। दुर्योधन को अर्जुन का पीछा करते देखकर पांडव सेना ने शत्रुओं पर और भी जोर का हमला कर दिया। धृष्टद्युम्न ने सोचा कि जयद्रथ की रक्षा हेतु यदि द्रोण भी चले गए तो अनर्थ हो जाएगा। इस कारण द्रोणाचार्य को रोके रखने के इरादे से उसने द्रोण पर लगातार आक्रमण जारी रखा। धृष्टद्युम्न की इस चाल के कारण कौरव सेना तीन हिस्सों में बंटकर कमजोर पड़ गई। इतने में धृष्टद्युम्न उछलकर द्रोणाचार्य के रथ पर जा चढ़ा और विक्षिप्त सा होकर द्रोण पर वार करने लगा। धृष्टद्युम्न का हमला जारी रहा। अंत में द्रोण ने क्रोध में आकर एक अत्यधिक पैना बाण चलाया। वह पांचाल कुमार के प्राण ही ले लेता यदि सात्यकी का बाण उसे बीच में ही पुनः न काट देता। अचानक सात्यकी के बाण रोक लेने पर द्रोण का ध्यान उसकी ओर चला गया। इसी बीच पांचाल सेना के रथ सवार धृष्टद्युम्न को वहां से हटा ले गए। परंतु सात्यकी भी कोई मामूली वीर नहीं था, पांडव सेना के सबसे चतुर योद्धाओं में उसका स्थान था। जब उसने द्रोणाचार्य को अपनी ओर झपटते देखा तो वह खुद भी उनकी ओर झपटा और इस तरह बहुत देर तक दोनों वीर लड़ते रहे। इसी बीच युधिष्ठिर को पता चला कि सात्यकी पर संकट आया हुआ है, तो वह अपने आसपास के वीरों से बोले, कुशल योद्धा नरोत्तम और सच्चे वीर सात्यकी आचार्य द्रोण के बाणों से बहुत ही पीड़ित हो रहे हैं, चलो हम लोग उधर चलकर उस वीर महारथी की सहायता करें। उसके बाद वह धृष्टद्युम्न से बोले, द्रुपद कुमार आपको अभी जाकर द्रोणाचार्य पर आक्रमण करना चाहिए, नहीं तो डर है कि कहीं आचार्य के हाथों सात्यकी का वध न हो जाए। युधिष्ठिर ने द्रोण पर हमला करने के लिए धृष्टद्युम्न के साथ एक बड़ी सेना भेज दी। समय पर सेना के पहुंच जाने पर भी बड़े परिश्रम के बाद ही सात्यकी को द्रोण के फंदे से छुड़ाया जा सका। इसी समय श्री कृष्ण के पांच जन्य शंख की ध्वनि सुनाई दी। वह आवाज सुनकर युधिष्ठिर चिंतित हो गए, इस घड़ी अर्जुन की सहायता को चले जाओ। इतना कहते कहते युधिष्ठिर बहुत ही अधीर हो उठे। युधिष्ठिर के इस प्रकार आग्रह करने पर सात्यकी ने बड़ी नम्रता से कहा, युधिष्ठिर द्रोण की प्रतिज्ञा तो आप जानते ही हैं, अतः आपकी रक्षा का भार हमारे ऊपर है। महाराज वासुदेव और अर्जुन मुझे यह आदेश दे गए हैं और मुझ पर भरोसा करके यह भारी जिम्मेदारी डाल गए हैं, मैं उनकी बात को कैसे टालूं? आप अर्जुन की जरा भी चिंता न करें, अर्जुन को कोई नहीं जीत सकता। उधर जैसे ही सात्यकी युधिष्ठिर को छोड़कर अर्जुन की ओर चला, वैसे ही द्रोणाचार्य ने पांडव सेना पर हमले करने शुरू कर दिए। पांडव सेना की पंक्तियां कई जगह से टूट गईं और उन्हें पीछे हटना पड़ा। यह देखकर युधिष्ठिर बड़े चिंतित हो उठे और बोले, भीम मेरा कहा मानो तो तुम भी अर्जुन के पास चले जाओ और सात्यकी तथा अर्जुन का हालचाल मालूम करो।
इसके लिए जो कुछ करना जरूरी हो वह करके वापस आकर मुझे सूचना दो। मेरा कहना मानकर ही सात्यकी अर्जुन की सहायता को कौरव सेना से युद्ध करता हुआ गया है। यदि तुम उनको कुशल पूर्वक पाओ तो सिहनाद करना, मैं समझ लूंगा कि सब कुशल है। भीमसेन ने युधिष्ठिर की बात का प्रतिवाद नहीं किया और वह धृष्टद्युम्न से बोला, आचार्य, द्रोण के इरादे से तो आप परिचित हैं ही, किसी न किसी तरह भ्राता युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने का उनका प्रण है। राजा की रक्षा करना ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। जब वह स्वयं मुझे जाने की आज्ञा दे रहे हैं तो उसका भी पालन करना मेरा धर्म हो जाता है। इस कारण भ्राता युधिष्ठिर को आपके ही भरोसे पर छोड़कर जा रहा हूँ, इनकी भली भांति रक्षा कीजिएगा। धृष्टद्युम्न ने कहा, तुम किसी प्रकार की चिंता न करो और निश्चिंत होकर जाओ। विश्वास रखो कि द्रोण मेरा वध किए बिना युधिष्ठिर को पकड़ नहीं सकेंगे। आचार्य, द्रोण के जन्म के बैरी धृष्टद्युम्न के इस प्रकार विश्वास दिलाने पर भीम निश्चिंत होकर तेजी से अर्जुन की तरफ चल दिया। अर्जुन को सुरक्षित देखते ही भीमसेन ने सिहनाद किया। भीम का सिहनाद सुनकर श्री कृष्ण और अर्जुन आनंद के मारे उछल पड़े और उन्होंने भी जोरों से सिहनाद किया। इन सिहनादों को सुनकर युधिष्ठिर बहुत ही प्रसन्न हुए। उनके मन से शोक के बादल हट गए। उन्होंने अर्जुन को मन ही मन आशीर्वाद दिया। वह सोचने लगे, अभी सूरज डूबने से पहले अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लेगा और जयद्रथ का वध करके लौट आएगा। हो सकता है जयद्रथ के वध के बाद दुर्योधन शायद संधि कर ले। इधर युधिष्ठिर मन ही मन शांति स्थापना की कामना कर रहे थे और उधर मोर्चे पर जहां भीम, सात्यकी और अर्जुन थे वहां घोर संग्राम हो रहा था। उस दिन भीम और कर्ण में जो युद्ध हुआ वह एक रोमांचकारी घटना के रूप में वर्णित है। भीमसेन उत्तेजना और उग्रता की प्रतिमूर्ति सा दिखाई दे रहा था। कर्ण जो कुछ करता धीरज और व्यवस्था के साथ शांत भाव से करता, किंतु भीम को तो थोड़ा सा भी अपमान असह्य हो जाता था। दोनों ही बड़े वीर थे, वे एक दूसरे पर झपट कर आघात करने लगे। भीमसेन को उस समय पिछले घोर अपमानों, यातनाओं और मुसीबतों की याद हो आई जो उसे, उसके भाइयों और द्रौपदी को पहुंचाई गई थी। प्राणों का मोह छोड़कर वह लड़ने लगा। उस समय भीमसेन का घावों से भरा हुआ शरीर धधकती हुई आग सा प्रतीत हो रहा था। कर्ण और भीम के युद्ध में इस बार भीमसेन के रथ के घोड़े मारे गए। सारथी भी कटकर गिर पड़ा, रथ टूट फूट गया, धनुष भी कट गया। भीम ने ढाल तलवार ले ली और जान झोंक कर लड़ने लगा। पलक झपकते ही कर्ण ने उसकी ढाल के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब ढाल भी न रही तो कर्ण ने भीम को खूब परेशान किया। इससे भीम बहुत ही पीड़ित हुआ, उसे असीम क्रोध आया। वह उछल कर कर्ण के रथ पर जा कूदा। कर्ण ने रथ के ध्वज स्तंभ की आड़ लेकर भीमसेन की झपट से अपने को बचा लिया। भीम नीचे जमीन पर कूद पड़ा और विलक्षण युद्ध करने लगा। मैदान में जो रथ के पहिए, घोड़े, हाथी पड़े हुए थे उन्हीं को उठा उठाकर वह कर्ण पर फेंकता गया, जिससे उसे क्षण भर भी आराम न मिल पाया। उस समय कर्ण चाहता तो वह भीम को आसानी से मार सकता था, पर निहत्ते भीम को उसने मारना नहीं चाहा। माता कुंती को दिया हुआ वचन भी उसे याद था कि वह अर्जुन के अतिरिक्त और किसी को युद्ध में नहीं मारेगा। अगर आप कुछ और सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।